99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। गुड इवनिंग, मैं रूप सर आप सबके लाया हूँ GSY रूप सर चैनल पर। सभी जितने भी हमारे क्लासिकल डांस है, कितने उन कलाकार उस डांस को करते हैं और कितने जो वाद्य यंत्र हैं जो संगीत से संबंधित हैं, कौन कौन व्यक्ति करता है उससे संबंधित शॉर्ट ट्रिक। प्रियदर्शनी गोविंद, तो पहले हम एक शॉर्ट ट्रिक इसकी याद करेंगे। हमें भरतनाट्यम करने वाले कलाकार के नाम है और ये सात नाम हैं। सात नाम को कैसे याद करें, ये सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। प्रिया के रूप की लीला देख राम गोपाल रोज भरतनाट्यम करता है। प्रिया के रूप की लीला देख राम गोपाल रोज भरतनाट्यम करता है। एक और बार, प्रिया के रूप की लीला देख राम गोपाल रोज भरतनाट्यम करता है। प्री से मतलब प्रियदर्शनी, या से यामा यामिनी कृष्णमूर्ति, रू से रुक्मणि, पा से पद्मा सुमन्यम, लीला का मतलब लीला सेंस, राम गोपाल का मतलब रोज राम गोपाली, रोज का मतलब एस के सरोज। ये हमारे दूसरे हुआ। आगे देखते हैं भरतनाट्यम करने वाले कुछ कलाकार और हैं, तो उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। पहले शॉर्ट ट्रिक समझ लूं, फिर आपको मैं उनके नाम भी याद करा। सरकार ने सारा भाई की जयंती पर 100 नल लगवाए और भरतनाट्यम करने वाले बालकों को डेल के लैपटॉप दिए। सरकार ने साराभाई की जयंती पर 100 नल लगवाए और भरतनाट्यम करने वाले बालकों को डेल का लैपटॉप दिया। अब ये पांच नाम हम कैसे आए। सरकार का मतलब मालविका सरकार, मालविका सरकार जी जो है कथक और भरतनाट्यम दोनों से ही संबंधित है। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई, ये भी कथकली से संबंधित है। फिर है हमारी वैजयंती माला, यानी कि जयंती शब्द यूज किया था, 100 नल यानी 100 नल मानसी। फिर बालकों को लैपटॉप दिए, टी बाला सरस्वती, वो कौन सा लैपटॉप दिए, अरुण डेल, यानी तो अपने डेल की लैपटॉप बांटे। ये क्लियर हुआ आपको। अब आते हैं, ये हमारा पूरा था चार्ट, ठीक। अब आ जाइए कथक करने वाले लोगों के बारे में। कथक की पहली ट्रिक थोड़ी और लगेगी, कथक से वीरे की शोभा, कथक से वीर की शोभा सुखमय गोपी का लच्छा, कथक से वीर की शोभा और सुखमय गोपी का लच्छा। तो अब वीर से है बिरजू महाराज, शोभना नारायण, सुखदेव महाराज, ठीक, गोपी कृष्ण, लच्छा का मतलब लक्ष्मण महाराज, ठीक, लच्छा से अच्छन भी याद आ जाएगा अपन को। इसके बाद देखे हम फिर इन लोगों, प्लीज वो बहुत बड़ी हो जाती है, बिंदिया चांद सितारा, तो बिंदिया दिन महाराज, ठीक, चांद से मतलब चंद्रलेखा, उस सितारा देवी। फिर सरकारी प्रसाद, अच्छा, तो नारायण प्रसाद अच्छा महाराज। लेकिन अब क्या करें हम, एक शॉर्ट ट्रिक से, एक लाइन की शॉर्ट ट्रिक। सरकार ने नारायण महाराज की शोभा चंद्र सितारे से ज्यादा अच्छी बताई, सरकार ने नारायण महाराज की शोभा चंद्र सितारे से अच्छी बताई, सरकार ने नारायण महाराज की शोभा को चंद्र और सितारे से अच्छा है। तो सरकार का मतलब मालविका सरकार और नारायण महाराज की शोभा बताएं, तो याद रखे नारायण महाराज का मतलब तो ये है कि नारायण महाराज, ठीक, नारायण प्रसाद भी याद आ जाएगा और इसी से शोभना नारायण याद, महाराज से बिरजू महाराज, विदादिन महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, तो महाराज सब जितने भी है वो सब कथक से हैं और नारायण जिनमें जुड़ जाए, शोभना नारायण हो गई भैया, नारायण प्रसाद हो गई, ये भी उसी से। चंद्र का मतलब चंद्र लेखा,
सितारे से मतलब सितारा देवी। तो ये आपको क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आगे की फिर शॉर्ट ट्रिक्स पे चलते हैं। तो ये बाधक आ गए हैं, तो बाधक हम दूसरे वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आपको पूरा जो डांस से संबंधित है उसको आपको मैं बता देता हूँ, जिससे आपको एक ही वीडियो में सारी के सबकी क्लासिकल डांस याद आ जाए। कुचिपुड़ी, अब कुचिपुड़ी डांस है आंध्र प्रदेश में, क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी हम कहते हैं, कैसे याद रखे, कुचिपुड़ी खा रहे थे हम आंध्र प्रदेश में। अब शॉर्ट ट्रिक याद करनी है, सुंदर लक्ष्मी कृष्णमूर्ति के सामने, सुंदर लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति के सामने राजा और राधा के साथ नारायण नृत्य करती है। सुंदर लक्ष्मी है मूर्ति कौन की, कृष्ण की, के सामने राजा और राधा के साथ। सुंदर लक्ष्मी जब देखो डांस होगा तो तीन चार लोगों के साथ हो, और वो भी नारायण डांस यानी विष्णु भगवान का डांस करना है हमें, तो तीन लोग मिल रहे हैं। सुंदर लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति के सामने राजा और राधा के साथ नारायण नृत्य करती हैं। तो सुंदर का मतलब है स्वपन सुंदरी, लक्ष्मी का मतलब है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी का मतलब है लक्ष्मी नारायण, मूर्ति का मतलब है कृष्ण मूर्ति, राजा रेडी राधा रेडी, वेदांत सत्य नारायण। अब आता है कथकली, कथकली जो है केरल का डांस है। नारायण कृष्ण आनंद का शांत उदय केरल की कली में हुआ, नारायण कृष्ण आनंद का शांत उदय केरल की कथकली, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट शांत जो अपने नारायण लिया है बल तोड़ नारायण मेन। अब देखो नारायण अपन ने कथक में भी यूज किया है यहाँ पे, तो बस नाम अगर एक बार पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ बलतोल नारायण मेनन आए हैं, कृष्ण का मतलब है यहाँ पर कृष्ण नायर है। अब नायर लोग जो है समुदाय है, मेनन नायर राव ये सब केरल से समुदाय संबंधित है। तो कृष्ण राव आनंद से शिव रामन, अब शिव आ जाएंगे तो शंकर याद आ जाएंगे अपने। अब क्या बच रहा है अपना उदय, तो अपने उनते शंकर, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मोहिनी अट्टनम, अगर मोहिनी अट्टनम की बात कर लें तो मोहिनी अट्टनम भी केरल का एक डांस फॉर्म है। इसको देखें तो श्री हेमा व रागनी राव अम्मा भारती के साथ, श्री हेमा और रागनी राव अम्मा भारती के साथ मोहिनी अट्टनम करे। तो देखो श्री से होना श्री देवी, ये तो याद आ गया, हेमा मालिनी ये दो आते, रागनी राव ये ज्यादा पूछता है। अब शांताराव दो जगह करती, कथकली मोहिनी अट्टनम दोनों केरल से हैं, शांताराव तो वहां की करेंगे। अम्मा का मतलब है कल्याणी अम्मा, अब देखो अम्मा अम्मा तमिलनाडु केरल से संबंधित हो गई, ठीक है। तो ये वहां से भारती, तो अपन ये शिव भारती, तो ये हमारे हुए डांस फॉर्म। अब इसके बाद मैं आपको दूसरी लिंक में जो बना रहा हूँ उसमें आपको वादक समझा रहा हूँ। हेलो गाइस, मैं रूप सर आप सबके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो अन अकेडमी एक पर। आई एम एडुकेटर ऑन अन अकेडमी। अन अकेडमी तेजी से बढ़ता हुआ देश का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप और भी वीडियो देख सकते हैं जो स्टडी से रिलेटेड हैं आपके लिए।